पूछा है, पिछली बार आपने मंत्रों की चर्चा की, ध्वनि और नाद के प्रभाव से जो मंत्र बनते हैं उनके बारे में बताते हुए आपने कहा कि मंत्रों के नकारात्मक प्रभाव भी हैं और सकारात्मक प्रभाव भी। वास्तव में मंत्र क्या हैं और क्या उनकी सचमुच में कोई आवश्यकता है एक साधक के लिए? हम लोग विज्ञान भैरव तंत्र के इस यात्रा में ध्वनि से संबंधित विधियों में यात्रा कर रहे हैं। पिछली विधि जो सूत्र लिया हमने वो भी अक्षरों के पीछे के ध्वनि और उसके भाव से संबंधित थी। उस ध्वनि से ही बनते हैं मंत्र, ध्वनि और भाव का मिक्सर। मंत्र का सीधा अर्थ होता है सुझाव, सजेशन। इसीलिए मंत्र से ही बनता है मंत्री। मंत्री शब्द से आप लोग बहुत परिचित हैं, मंत्री अर्थात जो सुझाव दे। मंत्र कोई विशेष चीज नहीं है, वो हमारे मन की सुझाव देने की एक प्रक्रिया, समझ और क्षमता है। सुझाव देने का काम बिना शब्दों के भी किया जा सकता है, तब उसमें भाव गहरा होगा। और अगर कोई भाव की उतनी गहराई ना पैदा कर सके तो उसके लिए फिर शब्दों का उपयोग करना होगा। उन शब्दों के उपयोग से व्यक्ति अपने को या अपने आसपास के जगत को कोई सुझाव देगा। ये सुझाव देने की जो प्रक्रिया है यही मंत्र का पूरा ढांचा है, स्ट्रक्चर है। अब जैसा कि तुम सामान्य रूप से देख सकते हो कि सुझाव हमें नीचे ले जाने के भी हो सकते हैं, ऊपर ले जाने के भी हो सकते हैं। हमारा मन हमको कई बार नीचे भी खींचता है, कई बार ऊपर भी खींचता है। मनुष्य पशु से परमात्मा तक की यात्रा है, तो कई बार हमारा मन हमारे पशु में हमको खींच ले जाता है, एनिमल इंस्टिंक्ट्स में, और कई बार वो परमात्मा की तरफ, गॉडलीनेस में। मंत्र इन पूरी प्रक्रियाओं में प्रयोग किए जाते रहे या किए जा सकते हैं। मंत्रों के बारे में तुम ये समझते हो कि जब कोई कुछ विशेष ध्वनियों का उपयोग करता है तो मंत्र बनता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ऐसा बनाकर मंत्र का जो विज्ञान था उसको बहुत मिस्टिफाई कर दिया गया, रहस्यमय बना दिया गया और आम लोगों से वो दूर हो गया। ज़्यादातर जो कीमती बातें रही हैं वो आम लोगों से दूर हो जाती हैं, वो कुछ विशेष लोगों के पास रह जाती हैं, क्योंकि सामान्य समझ का जो दायरा है वो हम उपयोग नहीं करते। वास्तविकता ये है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में मंत्र का उपयोग करता है। सबके अपने मंत्र हैं, हर व्यक्ति अपने मंत्रों में जी रहा है, अर्थात अपने सुझावों में जी रहा है। हर व्यक्ति के अंतर्मन में कुछ विचार हैं, कुछ सुझाव हैं जो निरंतर घूमते रहते हैं। जिस किसी विचार को, भाव को तुम अपने अंदर कई बार घूमने देते हो वो मंत्र बन जाता है, फिर उसका प्रभाव पैदा होता है। प्रभाव लाने के लिए कोई अलग
व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है, वो तो हम हमेशा ही अपने अंदर डाल रहे हैं। लेकिन जब व्यक्ति इस सामान्य समझ को नहीं जानता है तो उसको लगता है कि अच्छा चलो कोई मंत्र उपयोग करते हैं, किसी से पूछ लें कोई मंत्र बता दे हमको अच्छा सा, और व्यक्ति फिर मंत्र के उपयोग में लग जाता है। ना वो उसके भाव को जानता, ना उसके अभिप्राय को जानता, ना उसकी ऊर्जा से उसका कोई अंतर संबंध है, इंटरकनेक्शन। तो इस तरह के प्रयोग किए जाने वाले मंत्रों का कोई असर व्यक्ति के जीवन पर नहीं होता। तुम देखोगे कि लोग उपयोग किए चले जा रहे हैं लेकिन असर कुछ नहीं है। फिर मंत्रों को लेकर अगर बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हो जाए तो मंत्रों के कल्ट भी बन जाते हैं। आजकल भी तुम्हारे चारों तरफ कई मंत्रों के कल्ट बने हैं, लोग समूह में इकट्ठा होते हैं, किसी मंत्र का जाप करते हैं, फिर उनको लगता है कि इस मंत्र से ये हो जाएगा, इस मंत्र से वो हो जाएगा, सारी चीज़ें। यानी कि किसी न किसी प्रकार से मंत्र तुम्हारे लाभ उपयोग के लिए ही है। व्यक्ति के मन में उपयोग और लाभ की ही आकांक्षा है। लेकिन अगर तुम किसी भी दिशा में, किसी भी डायरेक्शन में अपने भाव से कोई सुझाव फेंक रहे हो तो वो कारगर हो जाएगा। तुम उसमें कोई भी मंत्र उपयोग करो। मैं तो तुम पर प्रयोग कर सकता हूँ, मैंने स्वयं किया है। तुम जिब्रिस का ही मंत्र बना लो, उपयोग करो, लेकिन पीछे भाव होना चाहिए। तो भाव और उन शब्दों की एक ऊर्जा बन जाएगी और प्रभाव आ जाएगा, लेकिन उसमें तुम्हारी जिब्रिस का कोई हाथ नहीं होगा। सबसे जो महत्वपूर्ण हाथ होता है वो है तुम्हारे भाव का। मंत्र के पीछे प्राथमिक और फंडामेंटल जो फोर्स है, जो शक्ति है, वो है तुम्हारे भाव की। भाव से भरकर तुम क्या उपयोग करते हो, क्या ध्वनि उपयोग करते हो, क्या शब्द उपयोग करते हो, वो तुम्हारे लिए मंत्र बन जाएगा। अनेक लोग अपने जीवन में बहुत सारी बातें दोहराते रहते हैं अनजाने में, आदतवश, और देर सवेर वो उनके जीवन में घटने लगता है। कोई व्यक्ति अपने को कमज़ोर मान लेता है और कमज़ोरी का मंत्र जपने लगता है कि मैं दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो रहा हूँ, और वो कमज़ोर हो जाता है। कोई व्यक्ति अपने अंदर मंत्र बना लेता है कि मैं शक्तिशाली हो रहा हूँ, तो वो औसतन शक्तिशाली हो जाता है। आवश्यक नहीं कि सारी बातें हूबहू वैसे ही घट जाएं, लेकिन घटने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। निश्चित रूप से इसलिए नहीं घटेंगी क्योंकि कोई भी घटना घटने में पूरी अस्तित्व की जो प्रक्रिया है वो भी शामिल हो जाती है। इट बिकम्स अ कॉस्मिक इवेंट। तो इंडिविजुअल टू कॉस्मिक, व्यक्ति और समष्टि दोनों के बीच के रिश्ते से कोई घटना घटती है। इसलिए ऐसे नहीं कि कोई घटना घट ही जाएगी, लेकिन अगर तुमने व्यक्तिगत रूप से किसी भाव को ज़्यादा ऊर्जा दी है तो उसकी संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अतीत में ऐसे बहुत सारे उदाहरण रहे। किसी खास कौम को, किसी खास समाज के वर्ग को कमज़ोर मान लिया गया, अर्थात समाज के एक वर्ग ने एक वर्ग को कमज़ोर मान लिया और उसको लगातार सुझाव दिए जाते रहे कि वो कमज़ोर है, और उसने भी उसे स्वीकार कर लिया क्योंकि भीड़ मानती है, तो वो मंत्र बन गया और स्वाभाविक रूप से वो वर्ग कमज़ोर दिखाई देने लगा, लेकिन वो सचमुच में कमज़ोर नहीं था। जिस दिन उसका विवेक जागा, उसको लगा कि नहीं, मैं कमज़ोर कहाँ से हूँ, वो प्रक्रिया टूट गई। बीच बीच में ऐसे लोग समाज में पैदा होते रहे जो उस चीज़ को तोड़ते रहे। समाज के ज़्यादातर शक्तिशाली लोग और चालाक लोग मंत्रों का ऐसा ही उपयोग करते रहे। वो कोई बैठकर गायत्री मंत्र और
महामृत्युंजय मंत्र और तरह तरह के मंत्रों की जो लिस्ट है वो नहीं जपते, वो तुमको एक सुझाव देते, वो तुम्हारे अंदर उतर जाता है और तुम वैसे काम करने लगते, उनको सफलता मिल जाती। पूरा विज्ञापन जगत, पूरा एडवर्टाइजमेंट का वर्ल्ड मंत्रों का ही उपयोग करता है, वो तुम्हें एक मंत्र पकड़ा देता है। रोज तुम उसको कई बार देखते हो, वो रिपीट हो रहा है। तुम बाहर निकलते हो, होर्डिंग्स पर होर्डिंग्स तुमको दिखाई देती हैं, तुमको एक खास चीज़ ही बार बार दिखाई जा रही है, वो तुम्हारे अंदर रिपीट हो रही है, दोहराई जा रही है और वो मंत्र बन जाती है, तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाती है। तुम अचानक उस विज्ञापन के शिकार हो जाते हो, उसका उपयोग करने लगते हो। पूरा विज्ञापन जगत जानता है मंत्रों के इस विज्ञान। धार्मिक जगत में हमेशा से लोग जानते रहे हैं और उसका तरह तरह से उपयोग करते रहे हैं। कभी वो स्त्रियों को कमज़ोर बना देंगे, कभी समाज को वर्णों में बांट देंगे, कभी कुछ कभी कुछ। और आज भी पूरा धर्म एक डिविसिव, एक विभाजित करने वाली मानसिकता पर खड़ा है और वो बस सुझाव ही हैं, वो मंत्र हैं। मनोवैज्ञानिक तो अब इस बात पर भी सहमत हैं कि व्यक्ति की जो वृद्धावस्था है और उसकी बीमारियों का एक बहुत लंबा पैटर्न है, वो भी उसके सुझावों पर ही खड़ा हुआ है। और उसकी सच्चाई तुम आज देख सकते हो। आज के हमारे वक्त में लोग अब अपने को बूढ़ा मानना नहीं चाहते जल्दी, तो औसत वृद्धावस्था की उम्र बढ़ती जा रही और लोग उतने बूढ़े दिखाई भी नहीं देते। तुम गाँवों में जाओ जहाँ लोग 40 पार करके ही अपने को बुढ़ा मानने लगते हैं और मानने लगते हैं अब ज़िंदगी निपट गई। तुमको 40-45 साल का व्यक्ति ही इतना बुढ़ा दिखाई देगा कि तुम हैरान रह जाओगे। आज तुम 60-70 साल के व्यक्ति को भी देखो और तुम एकदम से समझ नहीं पाओगे कि इसकी उम्र क्या है। यानी कि जो वृद्धावस्था है वो भी हमारे मंत्रों का काम है, सुझावों का। हम क्या सुझाव अपने आप को दे रहे हैं। कभी सुझाव हम सकारात्मक होकर देते हैं, कभी नकारात्मक होकर देते हैं, लेकिन जो भी देते हैं वो काम अपना जरूर करते हैं। तो मंत्रों को समझने के लिए अपने भावों को समझें। 24 घंटे अपने अंदर चलने वाले भावों को तटस्थ होकर, सजग होकर देखें और कोशिश करें कि अपने भावों को शुभ बनाएं। जितना शुभ भाव होंगे उतना ही आपके जीवन में शुभ परिवर्तन आएंगे, और जितना ही आपके भाव अराजक होंगे, अशुभ होंगे, नकारात्मक होंगे, उतने ही परिणाम उस तरह के आएंगे। ये तो मंत्रों की प्रक्रिया, उनका सीधा सीधा अर्थ। फिर प्रश्न पूछा है मित्र ने, एक साधक के लिए मंत्रों की क्या आवश्यकता है, क्या सचमुच में उनकी कोई उपयोगिता है? नहीं, उनकी कोई उपयोगिता नहीं। एक साधक के लिए सबसे उपयोगी है उसका सजग होना, होशपूर्ण होना, उसका अपने जीवन की हर प्रक्रिया के प्रति जागना, अपने अंदर चलती हुई सारी धाराओं के प्रति जागना, ये जरूरी है। और जब तुम एक बार जाग कर अपने अंदर चलने वाली भाव की धाराओं को देख लोगे तो तुम अपने मंत्र खुद बना लोगे। सफलता तभी है जब तुम अपने मंत्र स्वयं गढ़ो, अर्थात सुझाव। तुम अपने जीवन को जो सुझाव देना चाहो वो दो। मंत्रों का उपयोग करने वाले लोगों की अगर तुम पड़ताल करो तो वो ज़्यादातर भय और लोभ, फियर और ग्रीड की ही कैटेगरी में आएंगे। या तो वो किसी भय के चलते हुए मंत्र का उपयोग कर रहे हैं, या किसी लोभ के चलते हुए कि ये करने से हमको ये फ़ायदा हो जाएगा, या ये करने से हम इस बात से बच जाएंगे। कोई विपत्ति आई तुम्हारे ऊपर, तुम विवेकपूर्वक उसका सामना नहीं कर सकते, तुम किसी
ऐसे मंत्रों वाले व्यक्ति के पास जाओगे, वो तुम्हें एक मंत्र पकड़ा देगा, तुम बैठकर उसका जाप करने लगोगे, तुमको लगेगा कि ये मंत्र तुम्हारी रक्षा कर लेगा, लेकिन वो कुछ नहीं करेगा। संयोग से हुआ तो क्रेडिट मंत्र को जाएगा, नहीं हुआ तो तुम लंबे समय तक निराश बने रहोगे, तुम्हारा भरोसा उठ जाएगा कि मंत्रों वगैरह में कुछ नहीं। कई बार मैं लोगों को देखता हूँ, बड़ी निराश स्थितियों में मंत्रों का, पाठों का उपयोग कर रहे होते हैं। वो हास्यास्पद है, उसके लिए जागना चाहिए उनको। एक बार मेरे मित्र थे, वो वेंटिलेटर पर थे, जब मैं उनको देखने गया तो मैंने देखा कि वो जा चुके। डॉक्टर्स भी वेंटिलेटर लगा के बस रोके हुए हैं, लेकिन वो जा चुके। और उनके घर वाले लॉबी में बैठे हुए हॉस्पिटल के तरह तरह के पाठ मंत्र जो भी उनके पास उपलब्ध होंगे करने में लगे हुए हैं। मैंने किसी से कुछ कहा नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि काश ये थोड़ा सा वक्त ये लोग उस व्यक्ति के साथ बिता पाए होते तो शायद इनके अंतर मन को ज़्यादा शांति मिलती, ये ज़्यादा प्रसन्न अनुभव कर पाते आने वाले वक्त में कि इन्होंने वक्त का सदुपयोग किया था। वो ऐसे व्यर्थ के काम में लगे थे जिसका कोई उपयोग नहीं। व्यक्ति जा चुका है, अब उसके दो परिणाम होंगे। जब उनको पता चलेगा, जैसा कि हुआ उस घटनाक्रम में भी, कि वो नहीं बचे, तो कुछ को मंत्रों के प्रति प्रतिक्रिया पैदा होगी, उन पाठों और उन प्रक्रियाओं के प्रति प्रतिक्रिया पैदा होगी कि ये सब क्या है, और कुछ निराशा में चले जाएंगे। वस्तुतः ये सारे केवल हमारे मन के खेल हैं। जब हम भयभीत होते हैं और कोई मंत्र का उपयोग करते हैं तो क्या होता है उसको देखें। वो शब्द भी हमारे चारों तरफ एक कवच पैदा कर देता है। कवच सुरक्षा नहीं देता, कवच बस तुमको सुरक्षा का एहसास देता है। जैसे कि तुम्हारे मन में 100 विचार चल रहे हों और तुम एक मंत्र पकड़ लो, टुन 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 ही पकड़ लो, और तुम बस टुन 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 जपने लगो, थोड़ी देर में सारे विचार गायब हो जाएंगे और टुन टुन रह जाएगा। तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन फिर ये टुन दीवार बन जाएगा, ये तुम्हारे रास्ते में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब ये ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है, विचारों को इसने अपने साथ कंसंट्रेट कर लिया है। तुम बहुत सारी चीज़ों को अनुभव करने से रुक जाओगे। अगर तुम ऐसे जापों में लगे हुए लोगों को देखो, तुम उनको कितना सोया हुआ पाओगे, आसपास की दुनिया के प्रति पूरी तरह संवेदनहीन। आध्यात्मिक व्यक्ति तो अतिशय संवेदनशील होता है। एक व्यक्ति बैठा है अपने पूजा घर में, टुन 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 जाप में लगा है, बाहर क्या हो रहा है, कौन व्यक्ति जी रहा है, मर रहा है, किसी के साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको किसी बात से कोई मतलब नहीं। कुछ लोग हैं वो किताबों में, डायरियों में मंत्र लिखते रहते हैं, नाम लिखते रहते हैं, और मूर्खता की हद है कि इस तरह की लाइब्रेरीज बनी हुई हैं, उनको बैंक भी कहते हैं, भगवान के नाम के बैंक, मूर्खता की पराकाष्ठा। तो लोग बस बैठे नाम लिख रहे हैं, जो भी भगवान का नाम हो सकता है, भगवान का नाम तो कोई भी रखा जा सकता था, तुम्हारे भगवान का नाम ये रखा गया, किसी के भगवान का नाम कुछ है, तो भगवान का तो कोई नाम नहीं होता, वो तो नेमलेस। अगर भगवान है तो वो नेमलेस है, नाम तो हमारे दिए। तो लोग जिंदगी भर डायरियां लिख रहे हैं, फिर इकट्ठी करते हैं और जाके जमा कराते हैं, वहाँ ढेर लगा है, उसके बाद वो लोग उसका पता नहीं क्या करेंगे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उन इकट्ठी की हुई डायरियों का, किताबों का। लेकिन जो व्यक्ति ऐसी व्यर्थ की कार्यवाही में लगा है, अगर तुम उसके जीवन को ऑब्जर्व करोगे तो वो कट ऑफ है, वो सारी चीज़ों से कट गया है, बस
एक मूर्खता में लगा है। कभी तुम पागल खानों में जाओ, एसाइलम्स में, तो जो लोग काफ़ी क्रॉनिकल हो जाते हैं और कुछ ऐसी गतिविधियों में संलग्न हो जाते हैं, कुछ लिख रहे हैं, कहीं कोई दीवार पर कुछ लिखे जा रहा है, कहीं कुछ बोले जा रहा है, वो उनका मंत्र, लेकिन उस मंत्र ने उनको विक्षिप्त ही बना दिया है। क्योंकि किसी भी चीज़ का लगातार उपयोग करना तुमको जड़ बना देता है। अगर तुम उसका लगातार उपयोग करते जाओगे तो तुम संवेदनहीन बन जाओगे। तो इसलिए मंत्रों की उस रूप में कोई उपयोगिता नहीं। तुम्हारे होश के साथ भाव की ऊर्जा को जब तुम समझते हो तो तुम्हारा एक शब्द भी मंत्र बन जाता है। मंत्रों से तो तुम कुछ काम ही करना चाहते हो ना, तो काम तो यही है। जैसे तुमसे मैं कहूँ जरा इधर आओ और तुम आ जाते हो, तो इधर आओ मंत्र ही तो है, क्योंकि इसका सुझाव इतना स्पष्ट, इतना क्लियर है कि तुम उसे रिसीव करते हो और तुम आ जाते हो। कुछ लोग ऐसी कोशिश भी करते हैं, सोचते हैं वो बस बैठ जाएंगे और अपने मन से ये सुझाव भेजेंगे कि इधर आओ, उसमें भी वो सफलता पा सकते हैं अगर उनका भाव बड़ा गहरा हो। लेकिन मेरा कहना है कि ये ज़्यादा सरल है कि तुम आवाज़ देके काम कर लो, क्योंकि इसमें भाव का सिंक्रोनाइजेशन है। लेकिन कभी कभी किसी का भाव बहुत गहरा हो तो बस उसके भाव मात्र से जो सुझाव पैदा होगा वो अपना काम करने लगेगा। सद्गुरुओं के इसीलिए हर शब्द मंत्र होते हैं, वो इतने गहरे भाव से, गहरा भाव का अर्थ है शून्यता से, जहाँ कोई इमोशनल भाव नहीं है लेकिन वो सोर्स है, स्रोत है, वहाँ से वो जो बात निकलती है वो फलीभूत हो जाती है। इसीलिए कोई सद्गुरु भी आशीर्वाद भी सोच कर नहीं देता कि इसको दूं कि न दूं, ये पात्र है या पात्र नहीं है, वो तो जो कह देंगे उस क्षण जो उनके अंदर से निकलेगा वही आशीर्वाद बन जाएगा। और भारत में पौराणिक आख्यान इन बातों से भरे पड़े हैं, शापों से, आशीर्वादों से, और वो सच्चाई है। अगर किसी का भाव नकारात्मक हो जाए और गहरा हो तो शाप में बदल जाएगा, लेकिन वो भाव की इंटेंसिटी निर्भर करती है बहुत सारी परिस्थितियों पर। कभी कभी वो इंटेंसिटी बहुत गहरी होती है और कभी कभी वो हल्की होती है। हल्की इंटेंसिटी में तुम्हारे भाव और विचार काम नहीं करते, लेकिन जब वो तीव्रता बहुत गहरी होती है तो वो काम करते हैं। मैं ऐसे ही मंत्रों का स्वागत करता हूँ कि तुम अपने पूरे जीवन को मंत्र पूर्ण, मंत्रमय बना सको, अर्थात तुम अपने जीवन को जो दिशा देना चाहो दे सको। और वो तभी संभव है जब तुम अपने भाव की ऊर्जा को जान लो और अपने विचारों की ऊर्जा को पहचान लो और उनको एक दिशा दे सको।